में ये जो है कैप्सूल ऑफ फिजिक्स इन इंग्लिश मीडियम है, ये इंग्लिश मीडियम का कैप्सूल के रूप में तैयार किया गया ऐसा फिजिक्स जो आपके एग्जाम में एक नंबर और दो नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको हमें आसानी से याद करने का, किस तरह से आसानी से याद किया जाए वो तरीका है इस कैप्सूल में। तो हम सबसे पहला कैप्सूल करते हैं 21st day का, यानी फिजिक्स क्लासेस 21st day में जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हेन अ वर्क ऑफ 2.4 × 10⁻⁵ जूल इज डन टू कैरी चार्ज ऑफ 5 × 10⁻¹⁹ कूलम टू दैट पॉइंट। एक बार रिपीट करना चाहेंगे, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हेन अ वर्क ऑफ 2.4 × 10⁻⁵ जूल इज डन टू कैरी चार्ज ऑफ 5 × 10⁻¹⁹ कूलम टू दैट पॉइंट। हम जो लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी V = W by Q जानते हैं, तो W का वैल्यू 2.4 × 10⁻⁵ जूल और Q के जगह पर 5 × 10⁻¹⁹ कूलम अगर पुट करते हैं तो आपका ये आंसर आएगा 4.8 × 10⁻¹³ वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। वी कैन डिफाइन द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक इरेस्पेक्टिव ऑफ पाथ फॉलोड। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए, डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस between any two points in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from one point to the other point against the electric force of electric field, electric irrespective of the path followed. Next question, what is the SI unit of potential difference? SI unit of potential difference is volt or जूल पर सेकेंड। एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट और जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। नेम द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। आंसर में कहेंगे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, या फिर कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the dimensional formula of potential difference? The dimensional formula of potential difference is ml square t to the power minus 3 a inverse. Next question, if 100 joule of work must be done to move electric charge of 4 coulomb from a place where potential is minus 10 volt to another place where potential is V, find the value of V. I repeat this question, if 100 joules of work must be done to move electric charge 4 coulomb from one place where a potential is minus 10 volt to the other another place where potential is V, find the value of V. हमें जो वैल्यू दिया रहता है उसको पहले नोट करते हैं। W दिया 100 जूल, चार्ज Q दिया है 4 कूलम और V2 दिया है आपका V और आपका V1 दिया है -10 वोल्ट। तो इस तरह से हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, VB - VA = WAB/Q0। तो हम सॉल्व करते हैं तो 15 वोल्ट आंसर होगा। बात करते हैं यारे फिजिक्स क्लासेस 22 डेज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आंसर कहेंगे V = 1/4π₀₀ × Q/r। V = 1/4π₀₀ × Q/r इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज V = 1/4π₀₀ × Q/r। नेक्स्ट क्वेश्चन,
calculate the electric potential at a distance of 9 cm from a charge 4 into 10 to power minus 9 coulomb. Calculate the electric potential at a distance of 9 cm from a charge 4 into 10 to power minus 9 coulomb. तो सबसे पहले करते क्या है, जो वैल्यू दिया है वो हम नोट कर लेते हैं. आपका वैल्यू दिया है चार्ज Q इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 कूलम और डिस्टेंस दिया है 9 सेंटीमीटर. 9 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा. और फॉर्मूला हम यूज करते हैं V इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर वाला. 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम जानते हैं 9 इंटू 10 टू पावर 9. Q के जगह पर Q का वैल्यू रखते हैं 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 और R के जगह पर 9 सेंटीमीटर है तो मीटर में करेंगे 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर. इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 400 वोल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ स्मॉल R इज ग्रेटर देन स्मॉल L, देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल. If small r is greater than small l, then what is the formula of electric potential at any point due to an electric dipole? We can say that electric potential at any point due to an electric dipole V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into P by r square. V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into P by r square. Next question, a hexagon of side 0.1 meter has a charge 10 microcoulomb at each of its vertices. Calculate the electric potential at the center of hexagon. A hexagon of side 0.1 meter has a charge 10 microcoulomb at each of its vertices. Calculate the electric potential at the center of the hexagon. आप जानते हैं potential V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R होता है. But ये hexagon में 6 साइड होते हैं तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. Means V is equal to 6 into 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R. और 6 इंटू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट करते हैं 9 इंटू 10 टू पावर 9 और Q के जगह पर Q का वैल्यू रखते हैं 10 माइक्रो कूलम है तो 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 और R के जगह पर 0.1 रखते हैं. कैलकुलेशन करिएगा तो V इज इक्वल टू 5.4 इंटू 10 टू पावर 6 वोल्ट आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट. What is the relation between electric field intensity and potential gradient? We can say that E is equal to minus dV by dr. E is equal to minus dV by dr. And next question, what is the SI unit of electric potential gradient? What is the SI unit of electric potential gradient? The SI unit of electric potential gradient is volt per meter. वोल्ट पर मीटर. तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये वीडियो था. ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए. और इससे भी अच्छा थ्योरी और न्यूमेरिकल के लिए आप वीडियो चाहते हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए. और इस चैनल में बहुत सारे वीडियो मिलेंगे हर टॉपिक का, अलग अलग थ्योरी, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सब में मिलेंगे. तो ये सारे वीडियो आप जरूर देखिए. तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में.